काहे को काहे हो आ गए तुम सब इनकी बातों में? इतनी रात दिन मुनाहा बताओ जंगल में हमको लेके जा रहे हो? कुछ नहीं यार, काहे इतना डर रहे हो? मालूम नहीं इस बता जंगल में पिशाच चलता है, पिशाच। अरे भाई ये सब बकवास की बात है। क्यों माता? अरे सुने तो हम भी हैं उस पिशाच के बारे में। कुछ हुआ सुने वहां से? अरे वहां से मुझे डर लग रहा है, मैं तो भागता हूँ। अरे अकेले कहाँ जाता हूँ? बचाओ बचाओ, ये मुझे बाहर डालेगा। चार लोग पिशाच उनको खाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के। अरे पिछले 3 महीनों से हमारे इस गांव को उस रक्त पिशाच का सांप लगा हुआ है, न जाने कितने जिंदगियों को ले चुका है वो। भाइयों अब तो हमें सिर्फ उस तांत्रिक बाबा का ही आसरा है। हनुम न जानामि, न जानामि विसर्जनम्। जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हो भिन भिन पट चामुंडाय विच्चे स्वाहा, संकट रोज संकट, मौत का प्रकोप तांडव बन के चारों तरफ गांव में फैल रहा है और तुम सबको मार डालेगा। बाबा हमें उस रक्त पिशाच से बचा लो बाबा। अरे वो कोई ऐसा वैसा पिशाच नहीं है, रक्त पिशाच है, रक्त पिशाच। और वो मनुष्य के शरीर से एक एक बूंद खून निचोड़ कर पी जाता है। बाबा हमारी रक्षा करो, बाबा बचा लो हमें। आप जो कहेंगे हम दान दक्षिणा देने के लिए तैयार हैं बाबा। हाँ बाबा ये लो बाबा। निश्चिंत हो जाओ, ये समझ लो कि उस रक्त पिशाच का आतंक मिट गया, क्योंकि वो हमारे जैसे महातांत्रिक के सामने टिक नहीं पाएगा। तांत्रिक बाबा की जय। तांत्रिक बाबा की जय। जय हो काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। हो रिंग रिंग फट चामुंडाय विच्चे। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। रक्त पिशाच हम तुम्हें चुनौती देते हैं कि आज इस पिशाचिक शक्ति का हम सर्वनाश कर देंगे,
सर्वनाश। कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आज इस रक्त पिशाच का इस जंगल में आखिरी वक्त है। ओम भीम भीम वट, पिशाच का सर्वनाश हो। कुछ नहीं होगा। हम है ना। ये तो सचमुच का रक्त पिशाच है। भूत प्रेत कुछ नहीं होता वरुण भाई। श्रवण, भूत प्रेत है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ के बाहर, और बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च भी कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, कुछ चीज करनी पड़ती है, कुछ चीज नहीं करनी पड़ती। अनी, अरे अपुन बोलता है वरुण भाई, रिसर्च विचार सब चालू है, वही ना पढ़ाई लिखाई। किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ दिखा? नहीं दिखा। श्रवण, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कुछ मानते हैं। एक बार केडी सर को आने दो, केडी सर के सामने बिरजू बताएगा कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। नहीं होते, मतलब कहते हैं कि होते हैं लेकिन होते नहीं है, लेकिन कभी कभी दिखाई देते हैं। बस बाउंसर बाउंसर। सर मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ। समझाता हूँ मैं। मृत्यु का भय प्यासे को रेगिस्तान में भी झरना दिखाता है। मनुष्य का मन जो होता है वो बहुत ही विचलित, बहुत ही चमत्कारी होता है। मन को जो सत्य लगता है वही उसे दिखने लगता है, और इसी को अंधविश्वास कहते हैं। माफी चाहते हैं बाबूजी, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पर हम उस आप अपनी आंखों से देखे रहे जिस पे हम कभी विश्वास नहीं किए। बाबूजी, भूत पिशाच होवत है, आपने खुद देखे। यही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि जो नहीं है वो आपने देखा, और इसी कारण आपके मन को ऐसा लगा कि वही सत्य है, इसी को अंधविश्वास कहते हैं। वैसे कौन है आप? सर ये बिरजू है, उत्तर प्रदेश से आया, झिलमिल चाचा के यहाँ जो खाना बनाते हैं उसके गांव का है, इसे मदद चाहिए सर। ये कहता है कि इसके गांव प्रेमनगर पर पिशाच का साया है। ए वरुण भाई, अपना बहुत सा बावा नहीं है जो उधर जाके झाड़ फूक करेगा या कुछ भी। नहीं, बात तो समझने दे, क्या बात है भाई? बाबूजी, कुछ दिन पहले घटना घटी, कुछ गाँव वालों को पिशाच उठा के ले गया और एक बज के हमारे गाँव में आया, उस वक्त हम वहीं थे बाबूजी। वो जंगल में चार लोग, चार लोग पिशाच उनको खाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा, बड़ी मुश्किल से जान बचा के। अच्छा, मतलब उसी व्यक्ति ने आपको और गांव वालों को बताया कि ये जो काम हो रहा है ये कोई भूत पिशाच कर रहा है? हाँ बाबूजी, लेकिन हम उस पिशाच को अपनी आंखों से देखे रहे। 10-12 दिन पहले की बात है, एक रात हम अपने दोस्त केशव के साथ खेत में पहरा दे रहे थे। अरे हमने उसकी माँ को कितना समझाया, समझा समझा के परेशान हो गई, अपने बिटुआ को समझाओ। अरे ये सब सही नहीं है, तुम क्या कैसा कैसा? अरे कैसा पिशाच हमारे दोस्त केशव को मार के ले गया। हमने ये बात पूरे गांव में बताई, पुलिस को रिपोर्ट भी लिखाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ बाबूजी। गांव वालों, इसको भी पिशाच ने मारा। उसके शरीर में जरा से भी खून नहीं था? नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, ये सब भी हम अपनी आंखों से देख ही रहे। ए चाचू, चवाट खाएगा वो, इंग्लिश फिल्म चल रही है क्या? बोल बाबूजी, ये सब किया धरा उस रक्त पिशाच का है जो लोगों का खून पी जाता है। यहाँ तक तो मैं समझ गया, लेकिन इसमें मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? ये सब रक्त पिशाच का किया धरा, और ये सब करने की सजा हमारी माँ को मिल रही है साहब। किस प्रकार से?
सारे के सारे गांव वाले एक तांत्रिक के पास गए साहब जी। बहुत लंब कर दिया तुम लोगों ने, और अब वो रक्त पिशाच बहुत ही शक्तिशाली हो गया है, इसीलिए हम उसे परास्त नहीं कर पाए। किंतु हम अब ये जान गए हैं कि कौन है वो जो उस पिशाच का प्रकोप तुम पर डाल रहा है। बाबा कौन है वो? अरे मूर्ख, बताने बताने का समय अब निकल चुका है, अब अपनी आंखों से देखने का समय है। आओ देखो और फैसला करो कि पूरे गांव की जान प्यारी है या उस चंडालिका की। चलो हमारे साथ। चलो हमारे साथ साथ, आज हम दिखलाते हैं तुमको, ये देखो यहाँ रहती है वो चंडालिका चंद्रिका। उसे बाहर निकालो। चलो चलो बाहर से। अरे बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। ये कहा चाहते हो भैया, तने शांति वाते बना रखो ना। ए बाबू, दसियों लोगों की अकाल मौत का कारण है तुम्हारी माँ, और तुम शांति का बात करते हो? अरे टुकुर टुकुर का देख रहे हो? निकालो उसको बाहर। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ चलिए, वो लोग हमारी माँ को मार डालेंगे। हमारी माँ ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वो हमारी माँ के जान के पीछे पड़े हैं। हमारे साथ चलिए। हम क्या फालतू बैठे हैं? अरे खून होने के बाद पुलिस पहुंचती है, पहले कैसे आ जाएं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब, वो लोग हमारी माँ को मार डालेंगे। आप तो जानते हैं हमारी माँ ने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन वो तांत्रिक कहता है कि हमारी माँ चंडालिका है, ये सब भूत पिशाच सब उसका किया जा रहा है। सब जानते हैं का सच है और का झूठ, और तांत्रिक बोल रहा है तो फिर सही कह रहा होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप साहब, वहां वो लोग एक औरत की जान लेने पे तुले, और वहां यहां यहां पर हमारी मां पर दोष गढ़ रहे हैं। हमको भाषण पे लगा तू, चल निकल यार। है तेरी मां चंडालिका, ए जादो निकल इसको यहां से बाहर। भाषण पिला रहा हूं, चलो चलो मुखिया जी। हमारी माँ को बचा लो, इनमें हमारी माँ का कोई दोष नहीं है, ये सब अनर्थ है, ये सब अन्याय है मुखिया जी। हमारी माँ ने कछु नहीं किया मुखिया जी। अरे मुखिया जी रोको गांव वालों को, ये तो अनर्थ हो जाएगा, कल तो पुलिस केस हो जाएगा तुम्हारे पास। अपन ग्राम पंचायत में ले जाकर बात को संभाल लेंगे। अरे मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रुक जाओ गांव वालों, रुक जाओ, रुक जाओ। इस बुढ़िया को मारकर गांव का नाम बदनाम ना करो। अब जो भी फैसला होगा ग्राम पंचायत में होगा, जो भी आरोप है वही सिद्ध होगे और इसको सजा भी दी जाएगी। तब तक इस बुढ़िया को पुलिस की हिरासत में रखा जाएगा। क्यों गांव वालों? दुबे क्या पकड़ लेते? आपके परिवार के लोगों का इलाज किया और ये जान बचाई, फिर भी आज आप लोगों ने हमको चंडालिका बना दिया। ये गांव पर प्रकोप तुम्हारी वजह से है, ये अभिशाप तुम्हारी देन है, अब इसका फैसला ग्राम पंचायत ही करेगी। तो भाइयों, मुखिया जी हम आपके हाथ जोड़े हैं, आपके पैर पर हैं, इनमें हमारी माँ का कोई दोष नहीं है। हमारी माँ को छोड़ो मुखिया जी। चल हट। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा के निकले बाबूजी, सारी आस मिट चुकी थी,
समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ पे लगे इल्जाम कैसे मिटाए, लेकिन ईश्वर ने हमारी सुन ली, हमें राह दिखाई। बाबूजी, ये वरुण भैया के चाचा जी ने हमें आपके पास भेजा है, बस अब आप ही हमारे भाई बाप है बाबूजी, आप ही हमारे भाई बाप है। अरे भाई क्या कर रहे हो, हाथ वाथ मत जोड़ो, निश्चिंत रहो, मुझसे जितना हो पाएगा मैं करूंगा। वरुण तू एक काम कर, ब्रिजू के साथ चला जा, पता लगा कि क्या चक्कर है, किसकी सुनवाई होगी तो मैं आ जाऊंगा। जी सर। हाय राम। अरे क्या हो गया आंटी, ऐसा काय को देख रहे ले भाई? आई साहब इधर आई, आई साहब यहाँ। वरुण भाई सॉरी ना, अब उन गाँव का एकदम सॉलिड फील आता है, ऐसे आराम करने का, मजे करने का, हवा छोकरी मटका। ये लीजिए। हाँ भाई। अरे श्रमण भैया, गाँव का पानी। श्रमण। हाँ वरुण भाई। चल गाँव में एक राउंड मार के आते हैं। ए वरुण भाई क्या खिस्सा दिया लिया क्या? बोले तो अभी तो अपन आए ले, इतना लंबा सफर काय को, अभी रिलैक्स करते रहे, एंजॉय करते रहे, पानी सारी ठंडा ठंडा पीते हैं, बाद में चलते हैं। केडी से कल सुबह पहुंचने वाले हैं और तब तक हमें इन्फॉर्मेशन पता करनी, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो केडी से तुझे ठंडा वंडा देंगे। चल सुबह, चल लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स। छोकरी नमस्ते, ये हम आप दोनों के लिए लेकर आए हैं। अच्छा छोकरी। अरे वरुण भैया ये गौरी है, यहाँ पास में ही रहते हैं। वो काकी नहीं है ना, तो इसलिए हमने सोचा कि मेहमानों के लिए कुछ ले आए। बिरजू आप कहे तो चाय मंगवा दें। अरे नहीं नहीं हम बना लेंगे, तुम जाओ। अरे जाओ अपने घर जाओ। जी चलते हैं, नमस्ते। श्रवण चल। ना चलो, खा खा, बहुत अच्छा समोसा। श्रवण क्या जानते हो चंद्रिका के बारे में? दिल की बहुत भली औरत है साहब। को बढ़िया खराब है क्या तेरी? उस चंडालिका की तरफदारी करेगा तो पंचायत तुझे भी सजा दे देगी। तूने ये पिशाच को देख ले? अरे भाई लंबा था वो, बड़े बड़े दांत थे उसके। अभी तूने सपना देखा रहेगा। क्या बात करते हो बाबू, हमने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन उसके पीछे चंद्रिका जी का क्या दोष है? अरे वो चंद्रिका है ना, वो के सब आवत है। हाँ हाँ उसी ने तो बुलाया है पिशाच को। लेकिन आप लोगों को कैसे पता कि वो पिशाच चंद्रिका जी ने बुलाया? ये तांत्रिक बाबा सबके बताए हैं। तांत्रिक बाबा की जय, तांत्रिक बाबा की जय। तांत्रिक ने तो एक वक्त सामना भी किया पिशाच का, तभी से वो समझ गए कि चंद्रिका को सजा दिए बिना पिशाच से ये गांव मुक्त नहीं हो सकता है। कैसी सजा? मौत की। सब लोग चंद्रिका जी को ही दोषी मान रहे हैं। वरुण भाई अपन को तो लगता है तांत्रिक सबको भड़का ले। अच्छा कल अपन क्या करेंगे अब? ऐसा गुरु कल का इंतजार, कल केडी से आएंगे तो उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। अरे तो तब तक क्या करेंगे, अपन को भूख लग रही है, कुछ खाया नहीं है। पापड़ खा ले। ताकि कैसे रहे, मस्त एकदम पापड़। चल कच्चा खाना, कच्चा खाएगा पापड़ अपन। चलिए अपन। क्या कर रहे हो, क्या खोटे तेले चाले कर रहे, क्या हो गया? श्रमण मुझे मुझे बाहर से कोई आवाज आई, मुझे ऐसा लगा कि बाहर से कोई हमें देख रहा है।
अरे कोई नहीं देख रहा वरुण भाई, कौन सी आप लोग को तो कुछ सुनाई नहीं थी। कोई छोकरी रहेंगी, अच्छे अच्छे लौंडे आए लेने देखने आए रहेंगी क्या वरुण भाई, जाओ ना भाई। अपन आपके हाथ जोड़ते हैं, पाँव पकड़ता है, कान में कापूस डालो, सो जाओ, कल बॉस आने वाले, अपन की नींद की माँ की जय होने वाली। चलो तो वरुण भाई कुछ नहीं, वरुण भाई सच्ची अपन कह रहे आई शपथ कुछ नहीं। जंगल में एकदम गाँव एकदम सॉलिड टेंशन हो गई बस। क्या समाचार है बताओ? अरे बॉस अपन लोगों ने ना पूरे गाँव में सबसे पूछा, चंदिका जी का रिपोर्टेशन बहुत खराब है ना, सब खिलाफ है। भाई तांत्रिक है जिसने सभी लोगों को कहा है कि वो पिशाच चंद्रिका जी के श्राप का नतीजा है। अच्छा, चंद्रिका जी अब भी पुलिस की हिरासत में? जी बाबूजी, हम वो इंस्पेक्टर दुबे के पास जा रहे, उनके हाथ जोड़े पांव पड़े, पर वो बोला कि इसका फैसला पंचायत करेगी, वो भी आज। बाबूजी हमें तो लग रहा है कि ये सब लोग ना मन बनाए बैठे कि हमारी माँ को मौत की सजा हो जाए। गौरी, हम जानते हैं बिज्जू और काकी को। बस यही पूछना आए थे कि कहीं किसी चीज की जरूरत तो नहीं? धन्यवाद, किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी तो बता देंगे। अच्छा, नमस्ते। वरुण श्रमन, तुम दोनों एक काम करो, तांत्रिक बाबा के बारे में जरा जानकारी प्राप्त करो। मैं बिजू के साथ जाता हूँ जरा चंद्रिका जी का दृष्टिकोण जानने। जी सर। आओ बिजू। मुझे तो पहले ही भनक लग गई थी कि तुम शहर मदद लेने गए, हम तो सोचे थे कोई नेता शेता लाओगे। ये क्या, ये तो शहरी बाबू लेके आया। कौन जादूगर हो जो पिशाच से लड़ लोगे? मैं कौन हूँ ये तो आपको बता ही दूंगा। सर्वप्रथम आपकी सभ्यता की बात करते हैं, मैं आया हूँ यहाँ, आपने बैठने को भी नहीं कहा मुझे। कोई बात नहीं, स्वयं बैठ जाओ। अब रही बात मैं कौन हूँ ये बताने की, मैं आपके गांव के इस पिशाच को भगाने के लिए अकेला ही काफी हूँ। नाम केडी पाठक, पेशा वकालत, चंद्रिका जी का वकील हूँ। केडी पाठक, आप तो मुंबई के बहुत बड़े वकील हो, ये छोटे से गांव में काहे अपना समय बर्बाद कर रहे हो? केडी साहब आपका यहाँ कोई काम नहीं है। अरे भाई ये पिशाच का मामला है, कौन मुजरिम का नहीं। मामला किसका है ये तो पता चल ही जाएगा, पहले ये बताइए कि बिरजू की माता जी को क्यों बंदी बनाकर रखा हुआ है आपने? पुलिस वाला हूँ, बिना आधार के धारा लगा सकता हूँ। वजह तो आपको पता होगी, पूरे गाँव पर पिशाच का प्रकोप डाला है उसने अपने काले जादू से। अब पंचायत वालों के कहने पर मैंने उसे बंद किया है। क्या है ना, पंचों का हुक्म टाल नहीं सकते ना। वो क्या है दरोगा जी, कानून भाषा की तरह तो है नहीं कि प्रांत बदलने से बदल जाए, पूरे देश के लिए एक ही कानून है। और उस कानून में लिखा है कि अगर किसी को बंदी बनाना हो तो उनके विरुद्ध लिखित शिकायत चाहिए, FIR जिसे कहते हैं, पता होगा आपको। जानता हूं, और लिखा हुआ भी, पूरे 15 लोगों के अंगूठे लगवाए। क्या है ना, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं है। आपको आपत्ति ना हो तो मैं चंद्रिका जी से मिलूं। ज्यादा जी इन्हें लेके जाओ और चंडालिका से मिला दो। नाम बोलने में भूल हो रही है आपको, चंडालिका नहीं चंद्रिका। चलिए भाई। ठीक तो है ना मेरा? हाँ माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माँ हम शहर से एक नामी वकील को लेके आए हैं माँ। अब जी ये हमारी माँ है, कैन को देख के लगता है कि चंडालिका हो सकती है।
जी, मैंने हमेशा लोगों की सेवा की है, फिर भी ये लोगों ने हमें चंडिका बना दिया। क्यों आरोप लगाया है आप पर ऐसा माता जी? वो सब तांत्रिक की वजह से हुआ है, उसने इन गांव वालों को भड़काया है। हमेशा से ही हम दवाइयां देकर ही गांव वालों का इलाज करते आए हैं, तो फिर हम काहे पिशाच को बुलवाएंगे? ये इलाज करने का ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ आपको? कहां, हम कॉलेज और स्कूल देखे हैं, हम तो बस आंगनवाड़ी में काम किया करते थे, ये पढ़ाई लिखाई सब वही सीखे हैं, और वही की डॉक्टरनी को हम मदद भी करते थे। तब आओ ये नई नई बीमारियां, उसके इलाज, उसकी जानकारी हमें वही मिली है। भाई हो गया मेल मिलाप, एक घंटे बाद पंचायत बैठेगी, बाकी के मेल मिलाप वही कर लेना। चलो अभी चलो यार। माता जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निर्दोष हैं, मैं आपको बचाने का पूरा प्रयास करूंगा। श्रवण। हाँ रुपए, अंदर चल के देखते हैं क्या? ये तांत्रिक गांव वालों को बेवकूफ कैसे बना? ए, क्या बेवकूफ बेवकूफ, आप खुद ही बोल रहे थे क्या कि अपन को, अरे अपन को इस चीज में विश्वास नहीं, अब क्या हो गया? जो अंधविश्वास फैलाते हैं मुझे उन पर बिल्कुल यकीन है, केडी सर की बात पर पूरा यकीन है। कौन सी बात का? यही कि जब पिशाच आएगा ना तो वो तुझे देख के जरूर भाग जाएगा। चल रोमपाल, पिशाच अपन को देख के तो भागेगा ही, अपन की पर्सनैलिटी ऐसी, लेकिन आपको देख के जब पकड़ेगा ना तो अपन कुछ नहीं करेगा, अपन हंसे। चल चल रक्षा करो इन बेकसूर मासूम लोगों की, रक्त पिशाच से रक्षा करो। ए रक्त पिशाच, चंडालिका चंद्रिका के शाप से इन गांव वालों को मुक्त करो, मुक्त करो। ये हमारी सिद्धि का रंग है, यदि ये इस जल में डालते ही खून में परिवर्तित नहीं हुआ तो तुम सब समझना कि तुम सब पिशाच के प्रकोप से मुक्त हो गए, अन्यथा सबकी मृत्यु निश्चित है। हमारी सिद्धि का रंग खून में परिवर्तित हो गया। कौन है ये मूर्ख जो इस भयंकर विपत्ति में भी हंस रहा है? अभी क्या है ना, वो क्या है ना, लुक्की लेवे लेखा हूँ थोड़ा, अपुन क्या कर रहे चाचा, अपुन तुम पे नहीं हंस रहे, अपुन तुम्हारे आइटम पे हंस रहे। अरे कोई चमत्कार नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। जब मैं स्कूल में जाता था ना तब साइंस क्लास में इसे बहुत बार देख चुका हूँ। समझाता हूँ आप सबको, इस हल्दी पाउडर में अगर हम साबुन का पानी मिला दें, ये देखिए, तो ये लाल हो जाता है। बोलो। ये खून नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन। मूर्ख है ये, अवश्य ही ये उस चांडालिका का भेजा हुआ आदमी है। यदि तुम लोग इस पर विश्वास करते हो, जाओ इसके साथ और मरो बिना हमारी मदद के। बाबा आप चिंता ना करो, हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाइयों। हाँ बाबा। सारे लोगों को निकालो यहाँ से। अरे आओ, हम सब बाबा के साथ हैं। हाँ बाबा, हम सबके साथ हैं। बाबा अरे बेवकूफ बना रहा है आपको। बाबा आप चिंता ना करो,
हम सब आपके साथ हैं। हाँ भाइयों, हाँ बाबा, सारे लोगों को निकालो यहाँ से। अरे आओ, हम सब बाबा के साथ हैं। हाँ बाबा, हम सब के साथ हैं। बाहर निकलो, निकलो बाहर, निकलो बाहर, मजे लो। अरे आओ। वरुण भाई, अब उन बोले लाए फैंसी ड्रेस वाले ने ना बाबा ने मॉडल कंट्रोल बनाया लगाओ पे। आपने सब कुछ दिखा भी दिया, उसका लोचा भी खोल दिया। ये पीने का ना लोगे तब भी लोग अपन लोगों को काटने को दौड़ा था, ये कोई तरीका है क्या? कमन, गांव के लोग तांत्रिक से बहुत प्रभावित हैं। मुझे तो लगता है कि ये सारा खेल तांत्रिक का रचा हुआ है। रूम भाई, अपन एक बात बोले, उस तांत्रिक को ना ऐसा गुद्दी पकड़ गया, सब कुछ बोले, सब कुछ उगलेगा। एक मौका तो दो अपन को। तुझे मौका मिलेगा, लेकिन सबसे पहले हमें सबूत चाहिए। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है शव, गांव में एक आदमी नहीं जो चंद्रिका जी के सपोर्ट में हमारी मदद करे। काश बिरजू को एक आदमी मिल जाए जो चंद्रिका जी के हित में बोले। भाभी जी, हमारी माँ ने आपके बिटुआ की जान बचाई थी, क्योंकि जब तबीयत बहुत खराब थी तो हमारी माँ ने उसका इलाज किया था। अब भाभी जी, क्या आप हमारी माँ के लिए उन गवाही नहीं देंगे? अरे जरूर देंगे। अरे उनका तो बहुत उपकार है हम पर। अरे हमारे बच्चे की जान बचाई है उन्होंने। भाभी जी, उस शहर से जो बड़े वकील साहब आए ना, वो हमसे कह रहे हैं कि हम गांव में जाके उन सभी लोगों से मिले जो हमारी माँ की इज्जत करत है। अच्छा भाभी जी, हम जाके वकील बाबू को लेके आवत हैं। आप उनसे यही कहिएगा जो अभी आपने हमसे कहा। हाँ। हम अभी आते हैं। हाँ। अरे बाबा, क्या क्या करना पड़ता है लोगों को। वरुण भाई, अपन को लगता है ना वो पिशाच का साला इधर ही मिलेगा अपन लोग को। हाँ। जंगल में जो रात के अंधेरे में छुपा है, शायद सुबह के उजाले में दिख जाए। ए लड़का, अरे बे इंस्पेक्टर, अबे उल्टे पांव लौट जा यहाँ से। क्यों? जंगल में जो भी जाता है उसकी सूखी लाश ही बाहर आती है, समझ गए? इंस्पेक्टर साहब, आप हमें डरा रहे हैं। हाँ, आप लोगों को डर वर नहीं लगता, समझा क्या? जो डर गया समझो मर गया। ए? एक पाँव भी अंदर रखा ना तो वो पाँव तेरी हवालात में ही दिखेगी, समझ गया? ये पंचायत का आदेश, और तोड़ोगे तो हम नहीं छोड़ेंगे, समझ गए? चल अभी इधर चल। शमन, पंगा मत ले, केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग जा रहे हैं। ये चलना जल्दी। अरे काई को वरुण भाई, डरने का नहीं लोगों से। चल चल चल। घर है मालती भाभी का, ये हमसे बोले रही कि माँ के पक्ष में बोलेंगी पंचायत में। भाभी जी, मालती भाभी कहाँ है? दरवाजा तोड़ ही डालोगी क्या? भाभी जी, ये उस शहर वाले वकील बाबू हैं, आपसे बात करने के लिए लाए हैं हमें। हम का बात करनी है इनसे? हम तो इन्हें जाने तक नहीं। भाभी जी, लेकिन आप ही ने तो हमसे वादा किया था कि हमारी माँ के पक्ष में बोलेंगे आप पंचायत में। सरासर झूठ बोल रहे हो तुम। अरे सारा गांव जानत है का किया है तुम्हारी अम्मा जी ने। अरे कौन देगा साथ तुम्हारा? चलो जाओ यहाँ से। भाभी जी, लेकिन हा? अरे भाभी जी, वकील बाबू, हमको समझ नहीं आ रहा मालती भाभी काहे झूठ बोले आपसे। हम सच कह रहे हैं, उनसे वादा कह रही। देखो, तुम्हारी बात पर बिल्कुल शंका नहीं है मुझे। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोगों ने अपना वक्तव्य अचानक कैसे बदल दिया, इसके पीछे भी कोई रहस्य अवश्य होगा। ये ग्राम पंचायत अब शुरू होता है। चंद्रिका के बारे में जौनों के कुछ कहे के है, वो आगे आ जावे। हमको यही बोलना है सरपंच साहब कि इस डायन को गाँव से बाहर निकाल दीजिए। शांत हो जाइए। इसने इस गांव को श्राप दिया है, और वो पिशाच एक एक करके हम सबको मार रहा है। हाँ, निकाल बाहर करो इसे। सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। क्या चंद्रिका जी को अपने बचाव करने का अवसर मिलेगा? हमारे देश का कानून ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति पर लगा आरोप प्रमाणित नहीं हो जाता, उसे अपराधी करार नहीं दे सकते।
पर व्यक्ति को अपना बचाव रखने का अधिकार है। मैं आपसे पूछता हूँ सरपंच जी, क्या यह अधिकार आप चंद्रिका को देंगे? आप वकील साहब, ये ग्राम पंचायत है, तुम्हारे शहर की कचहरी नहीं। अरे यहाँ पंचों का फैसला सबसे ऊपर है, समझे? फैसला तो बहुत दूर की बात है दारोगा जी। सरपंच जी, अब तक तो इतना भी नहीं तय हुआ कि चंद्रिका जी दोषी हैं या नहीं। अरे सहरी बाबू, का जानते हो इस औरत के बारे में? ये औरत जादू टोना झाड़ फूंक में माहिर है। का है? माहिर। इसका सहयोग करोगे ना तो इसका प्रकोप से तुम भी नष्ट हो जाओगे। इसका फैसला यहाँ रहने वाले लोग ही करेंगे। क्या भाई लोग, तुम बीच में आओगे ना तो घोर अनर्थ होगा तुम्हारे साथ, घोर अनर्थ। ठीक है, मुझे स्वीकार है, मैं चंद्रिका जी की ओर से उनकी पैरवी करना चाहूंगा, उन्हें निर्दोष साबित करना चाहूंगा। और मैं पंचायत से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि मुझे अवसर दिया जाए। देखो भैया, ये हमारे गांव का अंदरूनी मामला है, ईमा कौन और बाहर वाले का टांग अड़ाने का कोई हक नहीं है। देखिए महाशय, न्याय का मामला कभी अंदरूनी नहीं होता, और आरोप सिद्ध किए बिना आप किसी को दंड नहीं दे सकते। वैसे अगर मैं कहूं कि मैं चंद्रिका जी का रिश्तेदार हूं, तो क्या आप ये प्रमाण ला पाएंगे कि मैं उनका रिश्तेदार नहीं? संभवतः नहीं। इसी कारण सरपंच जी, आप तो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे एक अवसर दिया जाए चंद्रिका जी को निर्दोष साबित करने का, और साथ में 2 दिन का समय भी दिया जाए। ठीक है, हम आपको 2 दिन का वक्त देते हैं। ये ग्राम पंचायत रविवार को फिर से बैठेगी और चंद्रिका पे लगे इल्जामों पर फैसला लेगी। धन्यवाद सरपंच जी। तो ठीक है, अब इसके दुष्परिणाम के लिए तुम भी तैयार रहो, घोर अनर्थ होगा, घोर अनर्थ। ये कैसन रास्ता है बाबूजी, जिसको आप निर्दोष साबित करने के लिए आए रही उनके घर पे तलाशी ले रहे? बिरजू, तुम समझ नहीं रहे, हमारी ऐसी मंशा नहीं है। तुम्हारे घर की छानबीन कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा संकेत मिल जाए यहाँ से, जिसके आधार पर हम तुम्हारी माता जी को निर्दोष प्रमाणित कर सके। बिरजू, केडी से भी भरोसा रखो, वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं। वकील बाबू माफी चाहते हैं, हमें समझने में थोड़ा वक्त लग गया। अरे नहीं नहीं, होता है। समन, इसके अंदर देख। इसमें वो पता नहीं क्या रखे थे। क्या है वो, मिला कुछ? हाँ बस। क्या लेगा? कल इसे ग्राम पंचायत में प्रस्तुत करेंगे। किन्ना शमन, और भी साक्ष्य ढूंढने होंगे, इतना केवल पर्याप्त नहीं होगा। कहाँ से सर? मुझे लगता है वरुण की जंगल में कोई ना कोई साक्ष्य अवश्य। अरे बॉस, हाँ करेक्ट, जंगल पर अपन लोग गए थे दिन में, पर वो दुबे है ना वो इंस्पेक्टर साला, उसने अपन लोग को जाने से मना कर दिया जंगल में। कोई बात नहीं, रात के समय जाएंगे, चोरी छुपे अंधेरे में। लेकिन सर रात में पिशाच। हाँ नहीं जाएंगे, मेरी इच्छा भी है कि मैं एक बार देखूं कि पिशाच अंततः दिखता कैसा है। अरे गोपी भैया, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे गोपी भैया, मुझे बचाओ। उधर से
अरे खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, चिल्लाए क्यों? पिशाच। कहाँ है पिशाच? वो मैं दोस्त सूरज को उधर उधर जंगल में ले गए साहब। क्या नाम है? गोपी, गोपी। तू 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 यहाँ रुक, किसके साथ? मैं देखता हूँ, सामान चल। जी बस हमको बहुत डर लग रहा है बाबूजी। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं साहब, साहब वो पिताज फिर से आ जाएगा साहब। आप हमको घर तक छोड़ दो साहब, वो हमको घर तक छोड़ दो बाबूजी। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, पिताज जैसा कुछ नहीं होता। पिताज ही था, हमने अपनी आंखों से देखा, हमारे दोस्त को उधर उधर जंगल में ले गया साहब। जब तक मैं खुद पिताज को नहीं देखूंगा मैं इस बात को नहीं मानूंगा। कौन हो तुम? तो वरुण की आवाज। हाँ बस फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।